ओके स्टूडेंट्स वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम बच्चे अब हम लोग असाइनमेंट के सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट है हमारा एमाइलोपेक्टीन इज कम्पोज ऑफ़ बच्चे जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टीन होता है ये स्टार्च के कंपोनेंट होते हैं दोनों अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टीन दोनों तो यहाँ पर हमें एमाइलोपेक्टिन बोला गया है ये भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज से बना होगा एमाइलोज स्ट्रेट चेन होता है जिसमें सी वन सी फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है और एमाइलोपेक्टिन स्ट्रेट चेन के साथ साथ इसमें ब्रांचिंग भी होता है तो स्ट्रेट चेन होगा तो सी वन सी फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ब्रांचिंग होने के कारण सी वन सी सिक्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होगा तो बीटा डी ग्लूकोज से नहीं बना है सी वन सी फोर सी टू नहीं सी वन सी फोर और सी वन सी सिक्स बीटा से तो बना ही नहीं अल्फ़ा डी ग्लूकोज सी वन सी फोर एंड सी वन सी सिक्स लिंकेज करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है नंबर ऑफ एस्टीरियो सेंटर प्रेजेंट इन लीनियर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आर रेस्पेक्टिवली ग्लूकोज के दोनों जो लीनियर और साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं उसमें कितने एस्टीरियो सेंटर होंगे वो हमें बताना है ठीक है तो जो लीनियर स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग फीसर प्रोजेक्शन में दिखाते हैं इस तरह से बनाएंगे यहाँ पे सी एच ओ इधर सी एच टू ओ एच ओ एच ओ एच एच ओ एच डी ग्लूकोज हमने बनाया एच यहाँ पे ओ एच यहाँ पे एच यहाँ पे एच तो देखो ये तो एस पी टू हो गया ये तो कायरल सेंटर है नहीं यहाँ पे कायरल सेंटर होगा चारों ग्रुप डिफरेंट ये होगा थर्ड एंड फोर्थ फोर कायरल सेंटर तो फोर वाला दो ऑप्शन है तो अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देखते हैं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग हावर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं ग्लूकोज का इस तरह से बनाते हैं ठीक है मान लो डी ग्लूकोज है और डी में भी हम लोग मान लेते हैं अल्फा डी ग्लूकोज है तो अल्फ़ा में ओ एच नीचे आ जाएगा एच ऊपर बीटा रहता है तो ओ एच ऊपर लेते हैं ठीक है अब डी है तो ये वाला ओ एच नीचे लिखेंगे एच फिर ये अपोजिट करते जाते हैं एच ओ एच ओ एच ओ एच ऊपर एच।, एच के साथ सी एच टू ओ एच आएगा अब कायरल सेंटर काउंट करो एक तो ये बन गया जो कि पहले एल डी हाइड में नहीं था एल डी हाइड में एस पी टू होने के कारण अभी एस पी थ्री हो गया इसीलिए कायरल हो गया तो एक बढ़ जाएगा दो तीन चार और पाँच तो फोर एंड फाइव ए ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास विच ऑफ दी गिवेन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन के लिए कौन सा इनकरेक्ट है वो हमें पता करना है तो इट इज स्टेट चेन पॉलीमर सिमिलर टू एमाइलोज गलत है जो ग्लाइकोजेन है बच्चे एनिमल स्टार्च बोलते हैं इसे ये एमाइलोपेक्टिन के तरह होता है इसमें ब्रांचिंग होता है और एमाइलोपेक्टिन से भी ज़्यादा ब्रांचिंग होता है यही इनकरेक्ट करेक्ट आंसर आ गया ओनली अल्फा लिंकेज आर प्रेजेंट एकदम सही है इट इज प्रजेंट इन एनिमल सेल इट इज प्रजेंट इन सम ईस्ट एंड फंगा एकदम सही बात है क्वेश्चन नंबर फोर द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ़ ग्लूकोज इज नोन एज म्यूटा रोटेशन म्यूटा रोटेशन में अल्फ़ा डी ग्लूकोज ऑटोमेटिकली बीटा डी ग्लूकोज में और बीटा डी ग्लूकोज ऑटोमेटिकली अल्फा डी ग्लूकोज में अपने आप कन्वर्ट हो जा होता है जिसके कारण स्पेसिफिक रोटेशन इसका चेंज होता है इसे ही हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन क्वेश्चन नंबर फाइव है द टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ए टिपिकल कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड के साथ ओ OH एच या कीटोन के साथ ओ OH एच ग्रुप होगा ओ एच OH कार्बोक एसिड नहीं सी एच ओ कार्बोक एसिड नहीं सी ओ के साथ ओ OH एच हो सकता है कीटोन के साथ ओ OH एच के साथ एल्डिहाइड हो सकता है तो सी एंड डी इसका दोनों करेक्ट होगा